हेलो फ्रेंड्स, आपको आपके अपने चैनल गुरुकुल वैदिक एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि आपको हम मैथ करवा रहे हैं, जो कि जीरो टू हीरो कंसेप्ट वाला सीरीज चल रहा है हमारा, जिसमें हमने आप पहले ही दो तीन चैप्टर करवा चुके हैं और हमारा वर्क एंड टाइम कंटिन्यू चल रहा है। वर्क एंड टाइम फ्रेंड एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको एग्जाम में देखने को इसके तीन चार क्वेश्चन मिल जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और हम आपको इसको जितना आसान तरीका होता है इसका और जितने भी चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं मैं सब करवाऊंगा और सभी का आपको आसान तरीका बताऊंगा, जिसको आप इजीली 30 सेकंड में बना सकते हैं। तो फ्रेंड आप चैनल को हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हम आपको इससे भी अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज का हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए फ्रेंड क्या है, ए डेली वेजेस लेबर वाज इंगेज फॉर सर्टन नंबर ऑफ डेज फॉर 5,750 rupees, बीइंग एब्सेंट ऑफ सम डेज ही वाज पेड 5,000 rupees, व्हाट वाज मैक्सिमम हिज डेली वेजेस। यानी फ्रेंड देखो क्या कह रहा है कि जो ए है उस किसी कोई काम करता है, जो काम करने में उसको जो मैक्सिमम उसको पैसे मिलते हैं वो 5,750 rupees उसको मिलते हैं। यानी ए को अपना काम करने के लिए कितना मिलता है, 5,750 rupees उसको मिलते हैं। फिर कह रहा है कि वो बीइंग एब्सेंट सम डेज, यानी कुछ दिन वो एब्सेंट यानी अनुपस्थित रहता है तो उसे 5,000 rupees मिलते हैं, यानी अनुपस्थित रहने के कारण उसको 5,000 मिलते हैं। तो व्हाट वाज मैक्सिमम हिज डेली वेजेस, तो उसका मैक्सिमम डेली वेजेस क्या होगा। तो फ्रेंड देखिए क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, मतलब दो तरीके से, तो मैं जो आपको आसान तरीका बताऊंगा करने, एक तो करने का तरीका होगा जो भी आपको एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, ऑप्शन से देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन होगा इन दोनों नंबर को काट सकेगा सेम नंबर पर, तो समझिए वो हमारा आंसर हो सकता है। मतलब उसके फिर भी वो जो ऑप्शन से आप कीजिएगा उसका करने का जो करेंगे आप ऑप्शन से फ्रेंड, उसमें क्या होगा आपके क्वेश्चन करने से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सही होने करेक्ट होने की वो संभावना कट रहेगी। इसलिए आप ऑप्शन से ना करके मैं जो तरीका बताऊंगा आप वो तरीका कीजिएगा। दो तरीका फ्रेंड SCF, मतलब तरीका तो एक ही है SCF करने के, यानी HCF करने के दो तरीके हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहला तरीका जो बताऊंगा फ्रेंड देखिए वो लॉन्ग मेथड में है। एक तो फ्रेंड जैसे मान लीजिए पहला तरीका देखिए HCF को क्या होता है, पहले तो जानिए हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कोई भी नंबर का जो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है, जो उसमें जो कॉमन आता है नंबर, मैक्सिमम नंबर जो कॉमन आते हैं उसको गुना करते हैं तो हमारा आंसर रहता है। इसके करने का तरीका फ्रेंड देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए उसका मैक्सिमम उसको कितना पैसा है, 5,750 rupees का मैक्सिमम है, 5,000 rupees उसको मिलते हैं एबसेंट होने के बाद, तो इसको बताइए डेली वेजेस क्या है। तो देखिए फ्रेंड क्या है इसका, आप क्या कीजिए, पहले तो SCF निकालने के लिए दो तरीके होते हैं, मैं दो तरीके दोनों तरीके बताता हूँ, लेकिन मैं जिस तरीके को बताऊंगा लास्ट में वो तरीका फॉलो कीजिएगा तो आपको सही रहेगा, क्योंकि आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। देखिए फ्रेंड ये जो नंबर है 5,750 मैक्सिमम है, तो आप ऐसे रख लीजिए 5,750, ठीक है। उसके बाद जो 5,000 है जो कार के मिलते हैं, यानी इसका बेचारा का जो एब्सेंट रहने के बाद मिलते हैं, तो आप इसको कीजिए, आप देखिए इसको डिवाइड कीजिए, एक पर जाएगा 5,000, यहाँ 750 आ जाएगा, ठीक है। हमें 750 आ गया तो हमारे इधर 5,000 है, तो अभी क्या कीजिए इस 5,000 को इधर रख दीजिए, अभी डिवाइड कीजिएगा तो 750 को, तो कीजिए फ्रेंड कितना आएगा, आपका आएगा कितने करीब में आएगा, 6 करीब में आना चाहिए, 6, 5, 0, 5, 30, 3, 45 आएगा 6 पर, तो 45 आप ऐसे ले लीजिए। अब यहाँ देखिए कितना आएगा, 500 आपके पास इधर बचा, ठीक है। आप फिर ये 750 जो है फ्रेंड आप इधर रख लीजिए आप, ठीक है। ये 700 अभी यहाँ में ये जो 45 6 पर आया था ये यहाँ पर लिखा गया, इससे बड़ा जो होगा 45 से बड़ा होगा 5,000 के नीचे नहीं लिख सकते, आपको पता छोटा ही लिखा जाता है। अब ये जो 750 है फ्रेंड इधर लिखा जाएगा और ये 500 से अब डिवाइड कीजिए, तो 500 कम 500, अब 250 आ जाएगा फ्रेंड। अब वहाँ तक जाना है जहाँ तक कट ना जाए, अब देखिए आपके पास 500 बचा, अब क्या कीजिए 500 इधर देख रख लीजिए, ये कीजिएगा तो 500 कीजिएगा तो 250 को दो बार गुना करेंगे, 200 गुना करेंगे तो 500 आ जाएगा आपका, ठीक है फ्रेंड। ये 500 आ गया, एक कट जाएगा आपका, तो फ्रेंड आपका 200 पर कट रहा है, यानी आपके पास कितना कौन सा नंबर काटा है, 250 काटा है, 250 ने 500 को कट किया है, इसलिए आपका जो आंसर होगा फ्रेंड 250 होगा। 250 रुपये फ्रेंड जो था उसका
मैक्सिमम डेली वेजेस था 250 रुपये उसको मिलने हैं पर डे, उसका 250 रुपये डेली वेजेस है। ओवर एंड 750, देखिए अब एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि कितने दिन वो एबसेंट रहा है, तो आपका हो गया कि मैक्सिमम वेजेस उन्होंने पूछा कि मैक्सिमम उसकी कितनी डेली वेजेस होंगी ये पूछे, तो आपने निकाल दिया 250 रुपये आपका आंसर आ गया। लेकिन इसकी जगह पर पूछता हाउ मैनी डेज, ऐसे लिखा होता हाउ मैनी डेज ही एबसेंट, ही वॉज एबसेंट, तो कितने दिन अनुपस्थित रहा, तब क्या करेंगे फ्रेंड। अगर एक दिन का 250 है, अब यहाँ माइनस कर लीजिए, टोटल कितना मिला था उसको 5750 मिलना था, कितने दिन उसको मिला, कितना मिला उसको 5000 मिला है, यानी एबसेंट रह नहीं कर रहा, तो कितना उसका माइनस हुआ 750 रुपये उसको कम मिला, यानी 750 रुपये कम किस लिए मिला कि इतने दिन एबसेंट रहा होगा इतने दिन, उसके हिसाब से उसके दिहाड़ी यानी उसका जो पर डे लेबर है वेजेस सब काट के उसको मिला। एक दिन का वेजेस 250 है, तो तीन दिन का करिएगा तो 725 या 75, यानी जो तीन दिन एबसेंट रहा तो उसको 750 रुपये कम मिले, तो आप डे भी निकाल सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया दिया, डेज भी निकाल सकते हैं और आपसे पर डे उसका वेजेस भी निकाल लीजिए, ठीक है। ये एक मेथड है फ्रेंड सीएफ निकालने का, अगर दिया हो आपको ये अच्छा लगता है ये कीजिए, पर मेरा जो होगा मैं जो भी बताऊंगा वो मेरे हिसाब से वो कीजिए तो बेटर रहेगा, क्योंकि तो इसमें मुझे लग रहा है कन्फ्यूज होने के चांस रह सकते हैं, आपको कन्फ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में, तो मैं जो बताऊंगा आप वो कीजिए। सीएफ निकालना है, सीएफ जो निकालेंगे फ्रेंड वो आपका वेजेस होगा, लास्ट में जो आपका सीएफ जो होगा यानी हायर कॉमन फैक्टर जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो अकेले सीएफ निकालिए, आप इस क्लास छोटे बचपन में भी आप एचसीएफ निकालते होंगे, तो आप एचसीएफ यानी एचसीएफ निकाल लीजिए दोनों को, दोनों का ऐसे निकाल लीजिए, आप बचपन में निकालते होंगे क्लासों में, छोटे क्लास में पढ़े होंगे, सेम टेबल पर 5 के टेबल पर जाएगा तो 1 1 50 आ जाएगा, 1 1 2 5 25 ठीक है, फिर इसको कटिएगा 2 3 0 ठीक है फ्रेंड, फिर इसको काटिएगा 5 3 5 2 20 5 3 30 ये आ गया, फिर काटिएगा 23 आ जाएगा, इसके बाद नहीं कटेगा, इसका ये लिख लीजिए, तो यहाँ पर आप 5750 है जो इसको आप इधर लिख लीजिए, इसके बराबर 5 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 23 आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है। अब इसी तरह इस 5 इसका निकाल लीजिए 1000 आ जाएगा, फिर निकाल लीजिए इसका तो 200 आ जाएगा, फिर निकालिए इसका तो 40 आ जाएगा, फिर निकालिए इसका 5 से निकालिए 5 से निकाल सकते हैं 200 निकाल सकते हैं, तो फिर निकालिएगा तो ये फ्रेंड आपके पास 8 आ जाएगा, अब ये 2 से जाएगा तो ये जो 4 यहाँ पर दीजिएगा 2 2 ये आपके पास, और ये 5000 का इसके आपको पता है कि सीएफ निकालते हैं तो आप नीचे लिखेंगे तो आपको आसानी पड़ जाता है निकालने में, तो ऐसे ऐसे लिख लेंगे आप सबका, इसका भी 5000 का भी कितना है 4 5 है, तो यहाँ पर 2 2 2। अब देखिए फ्रेंड दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखिए यहाँ कॉमन फैक्टर की बात कर रहा था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कितने मैक्सिमम कॉमन फैक्टर आ सकते हैं, 5 आ गया एक यहाँ लिख लीजिए 5, दूसरे में देखिए कितना आ रहा है, दूसरा भी देखिए यहाँ भी कॉमन आ रहा है 5 गुना 5, यहाँ भी कॉमन आ गया 5 5, यहाँ पर अब 5 कोई है नहीं है कॉमन नहीं है, लेकिन कौन सा नंबर कॉमन है 2 कॉमन है 2 लिख लीजिए, अब यहाँ भी 2 है 2 यहाँ ऊपर 23 है, ये 23 है फ्रेंड, तो अब कॉमन नहीं, कोई भी नंबर कॉमन नहीं निकलेगा, कोई कॉमन आ नहीं रहा है, तब इसको गुना कर दीजिए 25 25 5 125 125 5 125 2 250, ये आपका 250 यानी ये आपका आंसर आ गया, आंसर कितना आ गया 250 आपका आंसर आ गया, डेली वेजेस का पर डे वेजेस जो होगा 250 रुपये होगा। ये तरीका है फ्रेंड, देखिए मैं कितना इजी तरीके से आपको बता दिया, मुझे लग रहा है कि आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप जल्दी आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे और आपको गलत होने की संभावना यानी प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कम रहेगी। तो फ्रेंड चलिए अपना नेक्स्ट देखते हैं, तो फ्रेंड हमारा जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है देखिए क्या है, ए डज 4/5 पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, देन ही कॉल्ड बी एंड दे फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज, हाउ लॉन्ग बी अलोन विल टेक टू डू होल वर्क, यानी हिंदी में समझाता हूँ मैं, ए कहता है ए ने एक काम का 4/5 यानी कोई भी काम जैसे मान लीजिए 5 है तो उसका चौथा हिस्सा, यानी एक किसी काम का 4/5 यानी चौथा भाग उसने 20 दिन में किया, और उसने फिर बी को बुलाया, जब उसने बी को बुलाया तो जो जितना काम बचा यानी काम इसमें जितना काम बचेगा 1/5 काम बचेगा ठीक है फ्रेंड, उसका उन्होंने 3 दिन में कर दिया, तो हाउ लॉन्ग बी अलोन विल टेक टू डू होल वर्क, यानी बी कितना समय लेगा पूरा काम करने में ये आपको बताना है।
तो चलिए अपने देखिए क्या होगा। मैं लेता हूँ, जैसे मैंने बताया था कल कि बी का ए का जो है 4/5 है, इसलिए 4/5 ए कितने दिन में कर रहा है, 20 डेज में कर रहा है। तो अभी क्या कीजिएगा, टोटल निकाल लीजिए, ऐसे निकालेंगे टोटल तो कितना आएगा 100/4, क्योंकि ये इधर चला गया, 5 इधर चला गया, 100 हो गया, नीचे 4 आ जाएगा तो 25 आ जाएगा, यानी 25 आ गया। ए का कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है फ्रेंड। यानी ए जो है एक दिन में, मतलब 25 दिन में कोई भी टोटल काम, कोई भी काम जो होगा टोटल काम को 25 दिन में कंप्लीट करता है, एक 25 दिन में कंप्लीट करता है किसी भी काम को, ठीक है। फिर फ्रेंड क्या हुआ, उसने बी को बुलाया, मतलब इसने कितना बी एक काम को, मतलब किसी भी काम को 25 दिन में करता है, जब ये बी को बुलाता है तो 3 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे नहीं फ्रेंड, आप मान लीजिए यहाँ पर टोटल वर्क में ले लेता हूँ, टोटल वर्क आप ज्यूम कर लीजिए, मतलब सोच लीजिए कि 100 है, टोटल वर्क कितना है 100 मान लीजिए फ्रेंड, ऐसा नंबर मान लीजिए जो इससे कट जाए, तो 100 कर सकता है, 50 भी कर सकता है, तो 100 ले लेते हैं हम, हमारे लिए 100 इजी रहेगा, तो 100 ले लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए, इसने टोटल वर्क का कितना कहा, टोटल वर्क का उसने 4/5 किया है। टोटल वर्क का 4/5 का मतलब होता है, जैसे मैं लिखता हूँ टोटल वर्क है, यानी टोटल वर्क 100 है, उसका 4/5 यानी उसका चौथा हिस्सा कर लिया, तो 4/5 से कर दीजिए या कर दीजिए इसको, तो कितना आएगा 20 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ गया। अब इसको गुना कर दीजिए 4 से तो 80 आ जाएगा, यानी उसने 80 काम कर लिया, यानी ए ने अकेले काम, यहाँ लेता हूँ मैं, देखिए यहाँ पर आ गया फ्रेंड जो ए की एफिशिएंसी, अब यहाँ पर मैंने निकाल कर दिखा दिया कि 25 दिन में किसी काम पर, यानी अगर वो अकेले काम करता है 100 काम तो 25 दिन में कंप्लीट करता है, ये अपना अकेले काम को कितने दिन में काम करता है, 25 दिन में करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लेता हूँ ये इसको 25, मैंने बता दिया था कैसे निकला था, और ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 हो गई, 25/100 एफिशिएंसी, मैंने जो बताया था आपको फॉर्मूला बताया था कल कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम, ये बताया था मैंने, तो टाइम उसका 25 दिन में कंप्लीट कर सकता है 100 काम को, मैंने अभी करके दिखाया था 25 कैसे आया है, और 4 दिन उसकी एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, उसने सिर्फ 80 काम किया, यानी ए ने 80 काम कर लिया, इसमें से कितना काम कर चुका है, ए 80 काम कर चुका है, तो कितना बच गया, 20 बच गया। जब काम 20 बच गया, जितना मतलब कहने का मतलब था कि बी को कब बुलाता है, बी को बुलाता है जब काम बचता है तो उसको 3 दिन में करता है, यानी जिसका काम जो बचा था 20 बच गया, यानी 80 काम ऑलरेडी अकेले कर चुका था, लेकिन 20 काम जो बचा है वो बी की हेल्प लेता है, बी की हेल्प लेकर, या प्लस बी जो हो गया, बी की हेल्प से लेकर फ्रेंड वो क्या करता है, बी की हेल्प से वो क्या करता है कि 3 दिन में कंप्लीट, यानी 3 डेज में कंप्लीट कर लेता है काम, 20 काम या 20 काम को क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। लेकिन फ्रेंड आप देखिए बी की एफिशिएंसी आप कैसे निकालिएगा, तो आपको पता है फ्रेंड देखिए 3 दिन काम करते हैं, ए और बी दोनों मिलकर 3 दिन काम करते हैं, ए अकेले भी 3 दिन काम करेगा, बी अकेले 3 दिन काम करेगा, यानी दोनों मिलकर, देखिए अगर दोनों मिलकर 6 दिन काम नहीं कर रहे, आप कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों मिलकर अलग 3 दिन ए करता, ठीक है, फिर 3 दिन के बाद ये करता, तब 6 दिन होता है ना, दोनों एक ही दिन, मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि आप लोग रेस लगा रहे हैं ग्राउंड में, तो रेस लगाएंगे तो एक चक्कर लगाते हैं, जब एक गोला का चक्कर लगाते हैं तो दोनों तो एक साथ ही लगाएंगे ना, 400 मीटर उसकी रहेगा, ठीक है, वो अलग अलग है, तो नहीं कि आप 400 लगाते हैं 400 कोई और लगाता है तो 800 हो जाएगा, नहीं, तो ये दोनों 3 काम को 3 दिन में करते हैं, किसी जितना एक काम बचा है, 20 काम बचा है ना, 20 काम को दोनों मिलकर 3 दिन में करें, यानी ए का भी काम 3 दिन होगा, बी का भी 3 दिन होगा, अगर अपने अपनी ताकत से करेंगे तो, ठीक है, यानी बी अपने अगर ए अपनी ताकत से करता है, ए की ताकत कितनी है, 4 है, तो ए की ताकत कितनी होगी, 4 हो गई, तो 4 × 3 कर दीजिए, 3 दिन करता है, यानी 3 दिन तक काम करता है ना, तो 4 की ताकत से करता है, यानी 4 की एफिशिएंसी से करता है, तो कितना आ गया, 12 आ गया, उसका काम ए का काम कितना गया, 12 आ गया, तो 20 काम, जैसे मान लीजिए 20 काम है यहाँ पर, 20 काम बचा हुआ था, तो 20 काम को ए अपनी ताकत से 12 काम करता है, 12 काम करता है तो कितना, 8 काम बच गया, अब 8 हो गया, अब बी के पास भी 3 दिन है, बी 8 काम को, तो बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी फ्रेंड, 8 काम को 3 दिन में कर सकते हैं, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी हो जाएगी फ्रेंड, ये 8/3 दिन में, यानी 8 काम को 3 दिन में कर सकता है, बी की एफिशिएंसी आपको निकल गई। अब मैं दोबारा समझाता हूँ एक बार फिर से, उसके बाद मैं आगे बताऊंगा। देखिए फ्रेंड, मैंने बताया कि ए किसी काम को 4/5, यानी कोई भी काम मैंने मान लिया, काम 100 मान लिया, आप कोई भी नंबर मान सकते हैं जो 5 से कट जाए, तो 25 भी, 50 भी, 200, 100, जितना भी आपको इच्छा है आप ले सकते हैं, तो मैंने 100 ले लिया फ्रेंड, 100 काम को ये क्या करता है, 5 काम है टोटल, 100 काम है, ये क्या करता है, 4 यानी 100 का 4 चौथा हिस्सा कर लेता है, तो आपका चौथा हिस्सा पता है कि अगर एक मैंने करके दिखाया, देखिए 100 × 4/5 किया तो 80 आ गया, यानी ए ऑलरेडी 80 काम कर चुका है, फिर जब 20 काम, यानी 80 को 100 में से घटा देंगे तो 20 बच गया,
जब 20 काम बच गया तो ए ने बी को बुलाया, तो ये दोनों मिलकर कहते हैं कि हम दोनों मिलकर एक काम को 20 जो काम बचा है मेरे पास उसको हम 3 दिन में कर देंगे। तो बोलता है, बी बोलता है ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ए जो है ए बोलता है मेरी ताकत 4 है, मैंने एक काम को 4 दिन में 4 काम को 1 दिन में कर सकता हूँ, ये बोलता है। बी से पूछता है तुम्हारा कितना है, तो बी बोलता है उसको कि काम करो तुम अपना 4 की पावर से 3 दिन काम करोगे उसको निकाल लो। तो 4 + 12 निकाल लिया उसने, तो बोला कि 20 में से 12 घट गया कितना 8 काम बचे। तो बोला फिर ए बोला बी बोला अब 8 काम बचा ना, तो 8 काम को मैं अपने 3 दिन में करूंगा ना, तो मेरी पावर आ जाएगी 8/3, यानी मैं 8 काम को, यानी देखिए कटने वाला नहीं है ना, अगर ये 2 होता या 4 होता तो कट जाता, कट के या अगर मैं काट भी देता हूँ कैसे कटेगा ना, ये 2, 2, 3 ये कट के, यानी एफिशिएंसी अगर बी की एफिशिएंसी बात करें तो ये आ सकती है, अगर ए भी आ सकता है तो दोनों में से कोई ले लीजिए। तो मेरे हिसाब से ले लीजिए क्योंकि अब हमको आगे सॉल्व करना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग बी अलोन विल टेक टू द होल वर्क, यानी बी अकेले काम को कितना करेगा। तो बी की एफिशिएंसी आपने निकाल लिया 8/3, आपके पास टोटल काम, यानी टोटल काम की बात कर रहा, होल वर्क का मतलब है टोटल काम, यानी अकेले करता बी अगर अकेले टोटल यानी 100 काम करता तो कितने दिन में करता, देखिए तो 100 हो गया, उसकी एफिशिएंसी कितनी 8/3 है, 8/3 कर लीजिए ऐसे। आपको पता है जब ए नीचे होता है तो ये जाके ऊपर चला जाता है, 3 ऊपर आ जाता है ऐसे, क्योंकि जब बटे में होता है नीचे तो ऊपर चला जाता है, तो इसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, अब काट दीजिए इसको 8 के टेबल पर, 4 टेबल काटिए 4 × 8, अब जो काटिएगा तो 25 आ जाएगा, 25 × 100, 25 × 75, 75/2 फिर आ जाएगा आपका कितना, और देखिए 3 × 7 1/2 ये आपका आंसर बनेगा, आपका 37 सही 1/2 आपका आंसर बनेगा। अगर आपका ये भी आंसर हो गया ये भी आंसर हो गया, दोनों से कोई भी आंसर जो ऑप्शन देगा होगा उस हिसाब से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड ये रहा तरीका, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड देखिए क्या, ए अलोन कम्प्लीट अ वर्क पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, यानी ए जो है किसी काम को 12 दिन में कम्प्लीट कर सकता है, और ए एंड बी टुगेदर कम्प्लीट द वर्क इन 8 डेज, यानी ए और बी दोनों मिलकर काम को 8 दिन में कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग बी अलोन विल टेक टू कम्प्लीट द वर्क, यानी बी अकेले उसी काम को करने में कितना टाइम समय लेगा। फ्रेंड बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कईयों पर लगता है टफ होगा, लेकिन कई भी कहेंगे क्या बच्चों वाले क्वेश्चन सर करवाते हैं, लेकिन सर क्या है कि एग्जाम में देखने को इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि एग्जाम पूरा ना तो टफ सेट होता है ना ही पूरा इजी होता है, कुछ क्वेश्चन उसमें मॉडरेट लेवल के, पूरा एग्जाम जो होता है मीडियम होता है। कैसे होता है देखिए, उसमें देखिए 10 से 50% जो क्वेश्चन होते हैं इजी होते हैं, 50% से आप जाइए 80 से 85% तक, यानी 50 से 85 जाइए तो आपको मॉडरेट यानी मीडियम मिलते हैं, 85 यानी 15% जो बचा आपके पास वो आपको टफ मिलते हैं, जो कि आपको एग्जाम में अटेम्प्ट भी नहीं करने होते, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ आपका 70 या 75 के आसपास जाता है, तो आप अगर 75 क्वेश्चन इजीली अगर इजी क्वेश्चन को ही तैयार करके जाएंगे तो आपका 50 नंबर इजीली आ जाएंगे, फिर मीडियम क्लास कर लेंगे तो आपको क्वालिफाई एग्जाम कर सकते हैं। तो फ्रेंड कोई क्वेश्चन टफ नहीं है ना ही इजी है, ये मीडियम है, आप समझने की फेर है, बहुत इजी है करने में, देखिए कैसे होगा। जैसे ए अलोन कम्प्लीट अ पीस वर्क, आप ऐसे मैं बोला था कि जब भी बात करें तो लिख लीजिए ए कितने दिन में करता है पीस वर्क को, 12 डेज में करता है, 12 डेज लिख लीजिए, यानी 12 दिन में करता है 12 दिन लिख लीजिए। फिर कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कम्प्लीट द वर्क इन 8 डेज, यानी ए और बी मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं ना फ्रेंड। मैंने क्या बोला था, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा टोटल वर्क होता है, तो टोटल वर्क देखिए एलसीएम क्या होगा इसका, कोई मिनिमम नंबर जो इन दोनों से कट जाए तो बताइए कौन सा हो सकता है, 24 हो सकता है, आप 48 भी ले सकते हैं, जो भी इसके नंबर से जो भी आपको लगता है 8 से कट जाएगा वो ले सकते हैं, लेकिन आपका होगा कि सिर्फ वो क्वेश्चन को हाई मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता जाएगा, लंबा प्रोसेस चल जाएगा, लंबा चल जाएगा क्वेश्चन सोल्व करने में, ये रहेगा। आप छोटा नंबर लीजिए आप इजीली कर सकेंगे, इसलिए छोटा नंबर मैं बोलता हूँ हमेशा लेने के लिए। तो 12 का एफिशिएंसी निकाल लीजिए, हमने बताया था टोटल वर्क अपॉन टाइम एफिशिएंसी के बराबर होता है, तो निकालिए तो 2 आ जाएगा, ए की एफिशिएंसी यानी जो क्षमता है 2 आ जाएगी, ए और बी की जो क्षमता है वो 3 आ जाएगी। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए, अब देखिए फ्रेंड क्या है, ए का अकेले का 2 है, ठीक है, और यहाँ पर ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है 3 है, तो बी का आप निकाल सकते हैं ना, अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू डाल देता हूँ 2, अब बी का हमको पता नहीं है, बी ऐसे लिख लिया मैंने, एफिशिएंसी हमारे पास 3 है टोटल, निकालिए बी का निकल जाएगा, ऐसे टू जब चल जाएगा घट जाएगा, 3 में से 2 गया 1,
यानी बी की एफिशिएंसी फ्रेंड क्या आ गई आपके पास, ए की एफिशिएंसी आ गई। आगे फ्रेंड ये आपके पास ए की एफिशिएंसी आ गई। अब आपके पास टोटल काम कितना है, टोटल काम आपके पास 24 है, यानी 24 काम को बी कितने दिन में कर सकता है, तो एक की एफिशिएंसी के साथ मैंने बताया था टाइम निकालना होता है, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टोटल वर्क 24 है, एफिशिएंसी बी की कितनी है यानी क्षमता कितनी है फ्रेंड एक है, यहाँ एक से डिवाइड कर दीजिए आपके पास 24 यानी 24 डेज में अकेले वो कर सकता है, यानी ये जो है 12 दिन में करता है बी 24 दिन में कर सकता है, तो ये आपका सोल्यूशन है। कितना ईजी या कितना टफ बताइए फ्रेंड, दो मिनट लगा, दो मिनट भी बहुत टाइम बोल दिया ना, 30 सेकंड से कम समय लेंगे आप एग्जाम में जब करेंगे तब। भाई सर ने ऐसा बताया था, जब मैंने मन में ही, जैसे मैंने मन में सोचा ए का 12 बी का दोनों का मिलाकर 8 है, तो एफिशिएंसी 24 आ गया, 24 आ गया तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, तो एक टोटल 24 था, एक एफिशिएंसी कितना 2 आ गया, और बी अगर बी का निकाल लेंगे तो एक का बी ए प्लस बी का कितना 3 आ गया, तो बी का माइनस कर लेंगे तो एक आ जाएगा 24 टोटल का आंसर। तो फ्रेंड हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, तो अब देखिए क्या है, टू मैन अंडरटुक टू डू अ जॉब फॉर 1400 rupees, वन ऑफ देम कैन डू इट 7 डेज एंड अदर इन 8 डेज, विद द हेल्प ऑफ अ बॉय टू डू कंप्लीट द वर्क इन 3 डेज, हाउ मच मनी बॉय गेट। यानी फ्रेंड कह रहा है कि दो बंदे हैं, मतलब टू मैन, दो बंदे एक काम को ठेके पर लेते हैं, कह सकते हैं कि अपने कंस्ट्रक्शन में लेते हैं या ठेका पर लेते हैं, तो उनको 1400 rupees लेते हैं, तो कह रहा है कि उनमें से एक आदमी 7 दिन में कर सकता है और दूसरा 8 दिन में कर सकता है, ठीक है काम को। फिर क्या उन्होंने सोचा कि काम को और जल्दी किया जा सके, तो उन्होंने एक लड़के को बुलाया, उसकी हेल्प ली और उसकी हेल्प से उन्होंने काम को 3 दिन में कंप्लीट किया। तो बताना है कि जो लड़का उन्होंने शामिल किया था अपने साथ, उसका कितना हिस्सा आप उनको मिलेगा, उसको दिया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड क्या होगा इसमें, जैसे मैंने बताया यहाँ पर लिखा हुआ है टू मैन, यानी एक का लिखा हुआ है, तो एक आप ऐसे लिख लीजिए, एक ये यानी एक बंदे का नाम ए मान लीजिए, तो एक कंप्लीट करता है एक वर्क को 7 डेज में, तो यहाँ 7 डेज लिख लीजिए इसका। डी काम को 8 डेज में करता है, यहाँ 8 डेज ले लीजिए, ठीक है फ्रेंड। अब मैंने बताया था, और देखिए फिर क्या बोल रहे हैं कि उन्होंने एक लड़के को बुलाया, यानी तीन मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी, सी मैंने बॉय, जो बॉय का नाम मैंने सी दे दिया, बॉय जिसको बुलाया लड़के को उसको मैंने सी नाम दे दिया, यानी तीनों मिलकर एक साथ करते हैं तो 3 डेज में करते हैं, 3 डेज में करते हैं, ओके फ्रेंड। एक ऐसा नंबर लीजिए जो एलसीएम, जिसको हम बोल रहे हैं टोटल वर्क हो जाएगा हमारा, एलसीएम निकालने के लिए एक ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए, तो देखिए फ्रेंड क्या होगा, मेरे हिसाब से इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि देखिए 7 का टेबल और 8 का टेबल में कोई कॉमन नहीं आ रहा, ना ही 3 कॉमन है, ना ही कोई कॉमन आपस में हो रहा है, इनमें कोई ऐसा नंबर जो एक होता है कॉमन जो दोनों में मल्टीपल होता है, तो हम उसको लोएस्ट कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं निकल रहा है कुछ कॉमन, इसमें 7 है, 7 के टेबल में ना 2 आता है ना 3 आता है, 8 में 2 आता है लेकिन इसमें दोनों में नहीं आता है, इसलिए हम तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो ये 21 गुना 8 यानी 16 यानी 168 आपका टोटल वर्क हो जाएगा, 168 आपका टोटल वर्क हो जाएगा, कितना होगा फ्रेंड 168 आपका क्या होगा टोटल वर्क हो गया। अब 7 का निकाल लीजिए, 7 की ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मैं लेता हूँ एफिशिएंसी, तो ए की एफिशिएंसी आप निकाल लीजिए 7 से डिवाइड करके क्या होगा, तो 7 को 7 उन्नीस 14, ठीक है 7 उन्नीस 14 और 2 बार 7 चौक 28 यानी 24, यानी ए की एफिशिएंसी जो होगा 24 की एफिशिएंसी यानी 24 की क्षमता से करते काम करेगा, देखिए 7 उन्नीस 14 2 7 चौक 28, ठीक है 8 का कीजिए 8 उन्नीस 16 और एक आठ समय का, ठीक है 21 आ जाएगा एफिशिएंसी। अब देखिए अब ए प्लस बी प्लस 3 तीन दिन में कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए एफिशिएंसी तीनों की जो क्षमता है कैसे आएगी, डिवाइड कीजिए 5 या 15 एक 6 18 56 आ गया। अब फ्रेंड अब सी की एफिशिएंसी कैसे निकालिएगा, अब देखिए फ्रेंड ए की एफिशिएंसी अपने ए की निकाल ली 24, बी की निकाल लिया 21, यानी बी का आपने 21 निकाल लिया और ए की 24 निकाल ली, और सी की आपके पास पता नहीं है, टोटल आपको पता है 56 है, यहाँ पर ए की वैल्यू डाल देंगे हम 24 प्लस बी की वैल्यू डाल देंगे 21 प्लस सी, ऐसे रह जाएगा, ठीक है टोटल आपके पास 56 है, यहाँ 56 लिख लीजिए, यानी टोटल एफिशिएंसी कितनी है 56 आई थी, 56 हमने यानी 56 लिख लिया, इन दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा 5 6 यानी 5 4 45 आ गया, दोनों कार्य कीजिए 45 आ जाएगा प्लस सी इक्वल टू 56। अब सी की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 56 माइनस 45 कीजिएगा आपके पास 11 आ जाएगा, 11 आ गया, यानी सी की एफिशिएंसी फ्रेंड कितनी आ जाएगी, यहाँ लिखता हूँ मैं यहाँ पर
सी की जो एफिशिएंसी है वो 11 आ गई। कितनी आ गई फ्रेंड? 11 आ गई। अब फ्रेंड देखिए क्या हुआ, आपको पता लग गया ए की एफिशिएंसी, आपको पता लग गया 24 है, बी की पता लग गया 21 है, और आपके पास सी की पता लग गया 11 है। मैंने एक चीज आपको बताया था, जब पैसों की बात करेगा 1400 हो रहा है तो उनकी एफिशिएंसियों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जितने हमारे पास अमाउंट होगा, जो भी हमारे पास रुपीज होगा उसे डिवाइड कर देंगे तो हमको डिस्ट्रीब्यूशन आराम से कर पाएंगे, क्योंकि जो भी पैसा बटेगा इनके एफिशिएंसी यानी इनके पावर यानी इनकी क्षमता के अनुसार ही पैसा बटेगा। तो अब यहाँ पर देखिए इनको ऐड कीजिए, 24, 21, 11, 6 आ गया, 5, 56 आ गया, टोटल 56 आ गया। 56 को आप 1400 से गुना डिवाइड कीजिए, 1400 को बीच में रख लीजिए ऐसे और 56 को कीजिए तो देखिए कितना आएगा, 56 गुना कितना होगा, 12, 10, 11 यानी 112। अब इसको कीजिए -8, यहाँ पर आ गया कितना, 3, 2 आ गया, यहाँ पर आ गया 0। और फिर ये देखिए किसके 5 के टेबल पचास कटेगा मेरे हिसाब से, तो हाँ 25, 28 ये 25 यानी 200 आ गया फ्रेंड, यानी एक यूनिट की वैल्यू, यानी कहने का मतलब 56 टोटल एफिशिएंसी 56 है तो 56 मैंने बताया था जब भी अमाउंट होगा टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिएगा तो आपके पास पैसे किस हिसाब से बांटने हैं वो आपको पता लग जाएगा। 1400 को जब 56 से डिवाइड किया तो आपको पता लग गया कि एक यूनिट का जो होगा वो कितना होगा, 25 रुपया होगा, यानी 25 रुपया एक यूनिट का होगा। यहाँ एफिशिएंसी जो है सी की कितनी है, 11 है, तो यानी 11 यूनिट्स है, तो 11 यूनिट्स को 25 से गुना कीजिएगा ऐसे तो कितना आ गया आपको, 5, 7, 2, 275 आपका आंसर आ जाएगा। ये ट्रिक है ब्रांड 11 को 5, 25 से गुना कैसे करना, मैं आपको ट्रिक वाला कभी करवाऊंगा तो मैं बता दूंगा कि किसी भी नंबर को अगर 11 से कर जाए और नंबर 6 डिजिट का हो या मल्टीपल नंबर ऑफ डिजिट का हो आप 11 से इजीली कर सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको। तो ऐसे देखिए मैंने किया है 5, 7, 2 आ गया तो 275 आ गया, तो ये आपका सी का आंसर हो गया। इसी तरह आप ए का निकालना होता तो 24 से 11 को गुना कर देते, बी का निकालना होता तो 21 को 25 से गुना करते, 24 को 25 से गुना करते तो आपका इनका भी आ जाता। तो हमारा सी का निकालना था, वाई का निकालना था, 275 हमारा आंसर आ गया। बताइए फ्रेंड कितना टफ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीका फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए हमारा नेक्स्ट देखते हैं आप क्या है। तो फ्रेंड हमारा जो क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन जो है, देखिए ए वर्क कैन कंप्लीट बाय, कोई भी काम है, एक काम को पी और क्यू मिलकर 12 दिन में करते हैं, यानी ए वर्क कंप्लीट बाय पी एंड क्यू इन 12 डेज, क्यू एंड आर इन 15 डेज, यानी क्यू और आर 15 दिन में करते हैं, आर एंड पी 20 डेज, यानी आर और पी इसको मिलकर 20 दिन में करते हैं। हाउ मच डेज पी अलोन कंप्लीट द वर्क, यानी कितने दिन में पी अकेले उस काम को करेगा, ये आपसे पूछा गया है। फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, आपको करवा चुका हूँ, लेकिन उसमें अलग चीज था, उसमें था कि तीनों ने मिलकर कैसे किया था, इसमें बस चेंज हुआ है कि पी अकेले में, हम मैं ऑलरेडी पहले इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको, उसमें बस इतना था कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर जो तीन आदमी है लेकिन 2 बार रिपीट हो रहे हैं वो आदमी, तो आपको मैंने करवा दिया वैसे ही करना, लेकिन इससे थोड़ा सा लास्ट में कंसेप्ट चेंज होगा मैं आपको बताता हूँ। बहुत ईजी है फ्रेंड, हमारे साथ देखिए बने रहिए और समझिए फ्रेंड, बहुत ईजी तरीका है, मैं जो तरीका बताता हूँ बहुत ईजी, आपको मात्र 30 सेकंड में होगा। देखिए कैसे पी एंड क्यू, पी और क्यू का अपनी लीजिए कितना हो गया, 12 डेज में हो गया, यानी 12 डेज हो गया। फिर क्या बोला, क्यू एंड आर, क्यू और आर का लिख लीजिए कितने दिन में हो रहा है, 15 दिन में हो रहा है, 15 डेज, ओके ओके फ्रेंड। फिर बोला है आर एंड पी, आर और पी का कितना दिन में बोला है फ्रेंड, 20 दिन में बोला है, ओके फ्रेंड ये आ गया आपके पास। अब यहाँ देखिए फ्रेंड, अब पहले तो यहाँ पर टोटल वर्क लिख लीजिए, आप टोटल वर्क मैंने बोला था LCM, टोटल वर्क ऐसा नंबर जो तीनों से कट जाए, 60 कटेगा, लिख लीजिएगा करके 60 कटेगा, तो 12 टेबल में 60 आता है, 15 के 60, 15 के टेबल में 60 आता है, 15 चौका 60, 20 किया 60, यानी 20 दिया, यानी 3 नंबर पर था 60। तो अब देखिए फ्रेंड ये आ गया, अब एफिशिएंसी निकाल लीजिए, पी और क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्यू और आर की कितनी हो जाएगी फ्रेंड, 4 हो जाएगी, और आर और पी की 3 हो जाएगी, ये एफिशिएंसी तीनों की आ गई फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए पी जो, देखिए पी कॉमन है, यहाँ पर पी है, यहाँ पर यानी 2P हो गया, 2P लिख लीजिए, प्लस का सिंबल है, क्यू क्यू 2Q हो गया तो 2Q लिख लीजिए, प्लस का सिंबल दे दीजिए, आर आर 2R हो गया, 2R ले लीजिए, प्लस सिंबल हो गया, ठीक है ये आ गया आपके पास। अब टोटल एफिशिएंसी को जोड़िए, डेज से आपको कोई मतलब नहीं होता फ्रेंड, डेज से कोई मतलब नहीं होता, डेज आप बस डेज आपको एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए होता है, एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे, फिर एफिशिएंसी से आपको टोटल वर्क डिवाइड करके फिर आपको आंसर निकालना होता है डेज में,
आंसर निकालना होता डेज में, लेकिन एफिशिएंसी आपको जब पता लग जाती है तो आपको डेज का कोई मतलब नहीं होता। एफिशिएंसी निकालिए यहाँ पर, टोटल एफिशिएंसी देखिए कितना आ रहा है, 5, 4, 9, 9, 3, 12, टोटल एफिशिएंसी 12 आ गई। अब देखिए अपना 2, 2, 2, तीनों में 2 आ रहा है, 2 को मना रहा है, यानी जब पी क्यू आर इज इक्वल टू 12 डेज। अभी देखिए 2 से 12 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर, यानी कि जो एफिशिएंसी आ रही है अकेले अकेले की, नहीं अकेले अकेले बंदे की आ रही है, यानी अकेले अकेले जो पर्सन है उसकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, क्षमता कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो ये आपके पास 6 हो गया फ्रेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा फ्रेंड, इन्होंने बोला पी अलोन कितने दिन में करेगा, यहाँ पर निकालना है पी के बारे में। तो देखिए क्यू और आर की जो एफिशिएंसी है निकाल लीजिए, क्यू और आर की एफिशिएंसी कितनी है फ्रेंड, 4 है ना। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, क्यू और आर की एफिशिएंसी अकेले कितनी है, 4 है, आपको पी का निकालना है। तो यहाँ पी प्लस डालकर क्यू और आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, यहाँ 4 डाल दीजिए, मैं यहाँ लेता हूँ पी प्लस 4 इक्वल टू 6। ये कैसे आया फ्रेंड मैं एक बार फिर बताता हूँ, पी देखिए पी क्यू आर तीनों को मिलाकर 6, 3 था, तो 6 एफिशिएंसी में टोटल आ गई थी, और क्यू और आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो हमने पी की वैल्यू ऐसे रख दी, पी की पी रख दिया और क्यू आर की वैल्यू 4 डाल दी, यानी यहाँ पर लिख देते हैं पी यहाँ आ गए थे, क्यू आर की वैल्यू, क्यू और आर की वैल्यू 4 है, तो 4 आ गया यहाँ पर इक्वल टू 6। तो आपके पास पी की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 2 आ गई, 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा। अब बोला है कि पी कितने दिन में कंप्लीट करेगा अकेले, तो उसके लिए आपको मैंने बोला था कि जब एफिशिएंसी निकल जाता है तो टाइम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, टाइम इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। अगर एफिशिएंसी निकालना होता है तो टाइम नीचे आ जाता है, तो टोटल वर्क 60 है, पी की एफिशिएंसी 2 है, तो आपका टाइम कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, तो 30 डेज आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर है फ्रेंड, बताइए कितना मुश्किल है, मात्र 30 सेकंड है फ्रेंड, जब ये करना करने में समझाने में टाइम लगा है, वरना इसको आप मुझवानी और बिना देख क्वेश्चन देखे पर ही आपको सॉल्व हो जाएगा। ये तरीका बहुत ही कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ बहुत इजी कंसेप्ट है फ्रेंड, आई होप आपको सब समझ आ रहा होगा। तो फ्रेंड एक काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे भी अच्छे अच्छे से भी शॉर्ट तरीके आपको बताएंगे हम अलग अलग चैप्टरों के, और मैं आपको एक होमवर्क देने जा रहा हूँ, उस होमवर्क को आप खुद से बनाकर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं, तो फ्रेंड मैंने आपको सभी कंसेप्ट बता दिए हैं, और जितने भी कंसेप्ट बताया फ्रेंड वो आपको एग्जाम में वही कंसेप्ट से सभी आपके वर्क एंड टाइम से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हो जाएंगे, मेरा गारंटी है। और फ्रेंड बहुत इजी तरीका है करने का, और मैं आगे जितने भी आपको कंसेप्ट बताऊंगा उसी तरीके से करवाते चलूंगा वर्क एंड टाइम का। और फ्रेंड एक और बात जान लीजिए, आज जितने भी हमने क्वेश्चन आपको इंक्लूड किए हैं हमारे सेशन में, वो सभी अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके थे, अलग अलग जो बनते हैं कंसेप्ट बनते हैं क्वेश्चन बनते हैं वो सब थे जिसको मैंने एक कंसेप्ट से करवाया है। तो फ्रेंड आपके लिए होमवर्क है, देखिए होमवर्क फ्रेंड ये जो हमने होमवर्क लिया है, ये लास्ट वाला जो अभी हमने 5th क्वेश्चन किया था, 5th क्वेश्चन किया था हमारा लास्ट था जो, वैसा ही सेम टू सेम वैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फेर है, बस थोड़ी सी आप दिमाग लगाइएगा, थोड़ा कोशिश कीजिएगा, आपसे हो जाएगा 100% आपसे हो जाएगा। देखिए क्या है, ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, यानी ए और बी ने काम को 72 दिन में किया, बी एंड सी कैन डू इट 120 डेज, यानी 120 दिन में, बी और सी 120 दिन में करते हैं, ए एंड सी कैन डू इट 90 डेज, यानी ए और सी 90 दिन में करते हैं। तो वेन ए बी एंड सी वर्क टूगेदर, जब ए बी सी दो तीनों आपस में मिलकर काम करेंगे, तो हाउ मच वर्क इज फिनिश्ड बाय देम इन 3 डेज, यानी लास्ट में ये लाइन जो है ये आपको क्वेश्चन में थोड़ा चेंज ला देती है। क्या कह रहा है कि देखिए, पहले तो उन्होंने ए और बी का बता दिया 72, बी और सी का 120 और सी और ए का 90 दिन बता दिया इन्होंने, ठीक है। लास्ट में उन्होंने बोला कि तीनों मिलते हैं, यानी ए बी सी, ये तो आपको पता है तीनों मिलते ही हैं, मैंने अभी लास्ट में भी कराया था, पर उसमें एक का बताना था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, तीनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन वो करते हैं 3 दिन के लिए, यानी आप तीनों का एफिशिएंसी जब इनको फाइंड आउट कर लीजिएगा, एफिशिएंसी आपका निकल जाएगा, तो 3 से गुना कर दीजिएगा, तो आपका जितना आप काम किया हुआ होगा वो निकल आएगा, उस काम को आप ऊपर रख दीजिएगा, नीचे टोटल वर्क रख दीजिएगा, तो फ्रैक्शन निकल जाएगा, जो फ्रैक्शन निकलेगा उसको आप टोटल वर्क में से घटा दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने प्रीवियस क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन लिया था, उसमें सिर्फ दो वेरिएबल थे, यानी 2% थे, जब मैंने लास्ट क्लास में लिया था सिर्फ 2% थे, 2 वेरिएबल थे, तो उसमें ही मैंने करवाया था, इसमें 3 वेरिएबल है, 3% है, तो आप कीजिएगा, आई होप मुझे पता है आपसे हो जाएगा, कोशिश कीजिए फ्रेंड और इसको करके बताइए फ्रेंड, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा और अभी आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सके, इससे अच्छा आसान से आसान तरीका मैथ करवा सके। स्टॉप।